आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.2। क्या पढ़ने वाले हम? एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, देखिए दोस्तों, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दियर जीरोज आर गिवन। जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है इसके जीरोज हमें गिवन है, कौन कौन से? एक है हमारा रूट टू और एक है हमारा माइनस रूट टू। जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। ये हमें क्या दे रखा है, हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें पता है दोस्तों कि कितनी जीरोज हो सकते हैं हमारे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स के, हाईएस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं ये डिपेंड करता है उसकी हाईएस्ट पावर पर। हाईएस्ट पावर देखिए दोस्तों क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज इसमें होंगे, जिसमें दो जीरोज हमें क्या दे रखे हैं, गिवन है। तो जीरोज क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन क्या, एक्स इज इक्वल टू रूट टू एंड ऑल्सो वी हैव गिवन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। हमें पता है दोस्तों कि जो इसके रूट्स होंगे या जो इसके जीरोज होंगे उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी तो फैक्टर बनेगा सब्स्टिट्यूट करने पर, वो भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड पूरा पूरा करेंगे, मतलब उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पहले इसकी फैक्टर निकालते हैं, तो ये जो प्लस का रूट जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये बन जाएगा मेरा माइनस रूट टू, यहाँ बचेगा जीरो। एंड सिमिलरली ये जो माइनस का रूट टू है इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या बन जाएगा मेरा प्लस का रूट टू, तो इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इनके नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास और इक्वेशन 2 हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि ये क्या, इसका एक फैक्टर है और ये भी क्या, इसका एक फैक्टर है। जब किसी इक्वेशन के ये भी फैक्टर हो और ये भी फैक्टर हो, जब इसको अलग अलग डिवाइड करने की बजाय इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, तो पूरा पूरा डिवाइड हमारे पास होने वाला है। तो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। पहले एक कॉमन फैक्टर निकाले दोनों का 1 और 2 से। इक्वेशन 1 का एलसीएम क्या है हमारे पास, एक्स माइनस रूट टू और इसका एलसीएम क्या है, एक्स प्लस रूट टू। सिमिलरली आरएचएस इंटू आरएचएस यानी कि 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0। यहां देखिए दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करना है हमें आपस में, ये भी क्या है ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या होती है वो, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, जब इसका यूज करेंगे यहाँ पर तो क्या बनाना है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर बन जाएगा 2 और माइनस आइडेंटिटी के कारण आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये काम हम कर चुके हैं, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इस, ये क्या है पूरा हमारा, इसका एक फैक्टर बन चुका है दिए गए पॉलिनोमियल्स का, इसको क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। तो करते हैं हम इसको डिवाइड, तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करना है हमें 2x पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसको क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो 2x पावर 4 है यहाँ पर और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो नंबर की बात करें तो हमें नंबर की नीड है किसकी, 2 की, और यहाँ x की पावर 4 है हमारे पास x की पावर 2 है, तो हमें क्या चाहिएगा, एक्स स्क्वायर और चाहिएगा, क्या लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करनी होती है, तो 2x² जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 2x पावर 4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 2×2 = 4x² यानी कि माइनस का 4x². हमें गलती का ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं लिखना है x² टर्म, x² के नीचे लिखनी है, जो आएगा यहाँ पर माइनस 4x², ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये टर्म्स हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट और बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 3x³ और माइनस का 3x² और प्लस का 4x² हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1x² और रिमेनिंग आ जाएगा 6x-2। अब देखिए दोस्तों, एक तो मुझे माइनस का चाहिए और वो भी किसका चाहिए, 3 चाहिए, माइनस का 3 और x यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो एक हमें x और चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x³
इससे करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3x इंटू 2 हो जाएगा 6x, तो हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, इस बार ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 2। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो जब भी इसको डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग वाले टर्म्स को तो बचेगा हमारे पास 1, वो भी किसका, प्लस का 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वापस सेम नंबर आएगा, ये साइन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इस बार ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। इसका मतलब अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करें तो बताया जाता है कि जो पूरी वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, इसके और इसकी मल्टीप्लाई के और साथ में रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए, यानी कि जो f of x है उसके इक्वल होगा g of x into q of x plus r of x के इक्वल होता है। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों, by division algorithm क्या कहता है हमें कि जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, वो क्या है, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर ऐड करने से, तो x स्क्वायर माइनस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड रिमाइंडर हमारे पास 0, तो ये पूरी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, जब इसके अंदर जीरो ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हमें पता है हमारे प्यारे दोस्तों कि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन दे रखा था रूट 2 और माइनस रूट 2 आने वाली है, हमें केवल इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो नाउ वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके जीरो निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल रख देंगे किसके, जीरो के। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 2 1 जा 2 आए, और प्लस करने पर क्या आए, 3 आए, तो ऐसे कौन है, 2 और 1 ही है, तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कौन है, 2 और 1, तो x की टर्म में तो यहां पर x लिख दूंगा और प्लस था तो यहां पर भी प्लस कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ओपन करना है और बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस का 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टू में कॉमन कौन आएगा, 2x और बचेगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ कॉमन आएगा 1, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x माइनस 1 वापस कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0 कब होगी, या तो ये 0 हो जिससे पूरा क्या बन जाएगा 0, और या फिर ये 0 हो जिससे पूरा क्या बन जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि या तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस 1 0 मतलब माइनस 1 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू बचेगा हाफ। तो हमारे पास दो जीरो आ चुके हैं, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू हाफ, और दो जीरो दे रखे थे, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 4, टोटल जीरो कितने होंगे, यहाँ पर 4 जीरो होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 35, और जो हमें जीरो दे रखे हैं वो कौन है, बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं, 2 को एक अलग जीरो मान लेते हैं और रूट 3 को एक अलग जीरो मान लेते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है, एक जीरो हमारा 2 प्लस रूट 3 और एक हमारा 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या है, जीरो जो है मतलब x की वैल्यू है, क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने सबसे पहले, तो 2 प्लस रूट 3 को करता हूँ सब्स्टिट्यूट, तो बन जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 हो गया माइनस 2 प्लस रूट 3 हो गया माइनस रूट 3, एंड सिमिलरली प्लस 2 हो गया माइनस 2 एंड माइनस रूट 3 हो गया प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन आ चुकी है, हमें क्या करना है इनको सॉल्व करना है बाय इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो इनको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। इनको हम सॉल्व करना इजी तब होगा तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे ओनली इन योर माइंड। देखिए अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसको बोल देते हैं ये पूरा ए है और इसको बोलते हैं अगर पूरा बी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पिछले क्वेश्चन की जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो जाएगा हमारा एक्स माइनस टू यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एज इट इज। तो x माइनस टू का स्क्वायर जब ओपन करें तो बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर रूट थ्री करेंगे तो आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसे खोलना है हमें आइडेंटिटी से कौन सी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंड प्लस फोर माइनस थ्री लाइक टर्म्स है तो ऐड होकर क्या बन जाएगी हमारे पास प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक और क्या आ चुका है फैक्टर आ चुका है इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो अब क्या करना है इस फैक्टर को हमें करना है इससे डिवाइड, तो करके देखते हैं इससे डिवाइड। तो क्या होगा यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, किससे करना है इसको हमें डिवाइड दिए गए पॉलीनोमियल से। तो एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, ये हमारा दिया गया पॉलीनोमियल है। तो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है तो हमें क्या चाहिए x की पावर 2 चाहिए। मैं लिख देता हूँ मैं x पावर 2 यानी कि x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर दिए गए सारी टर्म से। पहले फर्स्ट टर्म से करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x पावर 4, सेकंड टर्म से करेंगे तो माइनस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस फोर एक्स क्यूब एंड सिमिलरली अगर इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का वन एक्स स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ मैं वन एक्स स्क्वायर और या ओनली एक्स स्क्वायर एक ही बात है, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल आउट और जब इसको करेंगे तो माइनस सिक्स प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। ये आ चुका है हमारा सबट्रैक्शन करने पर जो नंबर आना चाहिए वो आ गया है। हमें क्या चाहिए माइनस टू एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस टू एक्स से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस टू एक्स, जब इससे करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास माइनस टू एक्स क्यूब, जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू एक्स इंटू फोर एक्स हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं एट एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन से तो टू वन जा टू एक्स यानी कि आ जाएगा माइनस का टू एक्स, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट माइनस ट्वेंटी सेवन एंड माइनस एट क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट प्लस टू क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का वन हंड्रेड फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव एज इट इज। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो सेम है हमारे पास जो नीड नहीं है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर माइनस की थर्टी फाइव चाहिए, माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस थर्टी फाइव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर से तो माइनस माइनस प्लस थर्टी फाइव फोर जब जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी एक्स तो आ जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी एक्स एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस तो यहाँ बन जाएगा माइनस थर्टी फाइव, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आ चुका है हमारे पास जीरो। मतलब ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन क्या है इस पूरे पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो क्या है हमारे पास कोसेंट यह है, इसकी क्या करने में फैक्टर निकालने हैं तो हम निकालते हैं इसके फैक्टर। इसके फैक्टर निकालें उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से क्या करेंगे बाय डिवीजन
एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या आएगा हमारे पास, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसकी तो पूरी इक्वल होगी वैल्यू किसके, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो हमारे पास टर्म्स आया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा पूरा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये पूरी जो टर्म्स है उसमें से इसकी वैल्यू तो हमें निकाल चुके थे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी थी, तो हमें इसको दोबारा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालने को, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो नाउ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके जीरोज निकालने हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 इंटू 35 क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो फैक्टर आप दिमाग से निकालिएगा, तरीका मैं बता चुका हूँ, बनाने वाले क्वेश्चंस में और बताऊंगा, तो भी क्या हो जाएंगे वो 7 एंड 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो, कौन दो फैक्टर, 7 एंड 5, 7x और यहाँ कर दूंगा मैं 5x, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी कर दूंगा मैं माइनस। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। हमें करना है फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन, यहाँ आएगा कॉमन x तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ आएगा 5 तो बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों ब्रैकेट के सेम आते हैं इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन यहाँ तक किया वो क्या किया है, सही किया है। अब हम करेंगे x माइनस 7 कॉमन पूरे दोनों में से, और क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 5। आई होप आपको यहाँ तक मेरा वीडियो समझ में आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे पहले लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये पूरी टर्म्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, जीरो होनी चाहिए, मतलब या तो ये टर्म जीरो है या फिर ये टर्म जीरो है। तो x माइनस 7 जीरो होगा या तो, या क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अगर x माइनस 7 जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 7 होनी चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 5 होना चाहिए। ये दो हमारे क्या आ चुके हैं, जीरो आ चुके हैं, और दो मुझे पहले से दे रखे थे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, f of x is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20, और जो जीरो दे रखा है वो दे रखा है माइनस 2। तो we have given, x is equal to minus 2। तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या बन जाएगा मेरा, माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो बन जाएगा x plus 2 is equal to 0। अगर ये फैक्टर है तो इससे पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा, और हमें यहाँ पर दो इक्वेशन से दो जीरो प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हमें केवल इसी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम करते हैं इसी को डिवाइड, देन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, दिए गए पॉलिनोमियल का, जो क्या है हमारे पास f ऑफ x होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं किसमें, इस पूरे दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर। तो करते हैं डिवाइड, x प्लस 2 का डिवाइड करना है हमें किस में, क्वेश्चन में, यानी कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमें यहाँ पर दे रखा है x की पावर 3 और यहाँ है हमारे पास x, तो कितना चाहिए हमें, x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर हमें चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब, इससे करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड 13x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेगा 11x स्क्वायर, और रिमेनिंग बचेगा 32x प्लस 20। और यहाँ पर x कितनी बार चाहिए हमें, एक बार चाहिए x और नंबर चाहिए 11x, तो आ जाएगा यहाँ पर 11x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बचेगा 11x स्क्वायर, इससे किया जाएगा तो आ जाएगा 22x, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन चेंज करने से माइनस एंड माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 32x माइनस 22x बनेगा हमारे पास 10x और प्लस का 20। यहाँ पर x तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, भी किसका, प्लस का 10, इसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, इससे करेंगे तो 10 टू जा जाएगा 20, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा हमारा फैक्टर है,
तो इसके बाद का काम मैं यहां पर कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास जो दिया गया पॉलिनॉमल है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई में रिमाइंडर ऐड करने से। तो क्या होगा, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 और रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये क्या बचेगा, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के इक्वल होगा। इसके फैक्टर हमें दे रखे हैं, क्योंकि जीरो दे रखा है इसका माइनस 2, हमें केवल क्या करना है इसके जीरोज निकालने हैं। तो हम निकालते हैं इसके जीरो, इसके जीरो निकालते हैं, इसके जीरो निकालते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। जब भी हमें जीरो निकालने हैं हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे पॉलीनोमियल को क्या मान लेते हैं, जीरो के इक्वल मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए, 10 आए, और प्लस करने पर क्या है, 11। तो 10 और 1 ही ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आता है, 10 आता है, और उनको दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 11 आता है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कौन फैक्टर थे, 10 और 1 थे, तो यहाँ x थी फॉर्म में, तो 10x प्लस 1x प्लस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर साइन प्लस का है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो क्या आ जाएगा कॉमन लेने से, x यहाँ कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 10, और यहाँ 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन लेने से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करना, दोनों टर्म सेम है मतलब ये क्या आ जाएगी, वापस से कॉमन आ जाएगी, तो अंदर बचेगा मेरे पास x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये पूरी पॉलीनोमियल जीरो कब होगी, जब या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 10 को जीरो मान लेते हैं एक बार, और एक बार x प्लस 1 को जीरो। तो यहाँ x क्या आ जाएगा, माइनस 10, और यहाँ x क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो दो जीरो तो और आ चुके हैं हमारे पास, एक जीरो दे रखा था, हाईएस्ट पावर की 3 थी, तो कितने जीरो होंगे हमारे पास, मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ऑन डिवाइडिंग पॉलीनोमियल f(x) = x³ - 3x² + x + 2। इसको करना है डिवाइड किससे, बाय पॉलीनोमियल g(x) से। जब इस f(x) को डिवाइड किया गया g(x) से, तो उससे क्या आया हमारे पास, cosec q(x) एंड रिमाइंडर r(x) आर ऑब्टेंड एज x -2 एंड -2x + 4 respectively। मतलब जो x माइनस 2 दे रखा है वो है हमारा cosec, और जो माइनस 2x प्लस 4 दे रखा है वो हमारा रिमाइंडर। देन हमें फाइंड करना है, फाइंड पॉलीनोमियल g(x), यानी कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो मैं गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं हम, वी हैव गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, एक तो दे रखा है हमें f ऑफ x जो कितना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जो g ऑफ x है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट, यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें दे रखा है q ऑफ x, मतलब कितना दे रखा है, x माइनस 2, और हमें जो r ऑफ x दे रखा है वो है माइनस 2x प्लस 4। ये हमें चार चीजें दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, g ऑफ x। इन चार चीजों के रिलेशन को हम बताता है, हमें डिवीजन एल्गोरिथम बताता है, उसकी सहायता से हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, देखते हैं, बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम हमें पता है फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये होता है हमारा फंक्शन यानी कि एल्गोरिथम। फंक्शन हमें दे रखा है कितना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, वी डोंट हैव गिवन, तो क्या लिखेंगे, g ऑफ x एज इट इज एंड q ऑफ x हमें दे रखा है x माइनस 2 एंड प्लस r ऑफ x दे रखा है हमें माइनस 2x प्लस 4, यानी कि लिखता हूं मैं
माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से निकालना है जी ऑफ एक्स। उससे पहले क्या करते हैं, पूरे पॉलीनोमियल को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको रखता हूँ मैं एज इट इज एक बार, क्योंकि सॉल्व नहीं होने वाला अभी तक ये। यहाँ करते हैं इसको सॉल्व, तो जी ऑफ एक्स और एक्स माइनस टू रखते हैं एक बार एज इट इज। इस डॉट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स एंड प्लस फोर प्लस 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 फोर। हमें क्या करना है, इस जी ऑफ एक्स को निकालना है। तो मैंने बताया था जब भी जो टर्म निकालनी होती है हमें, उस टर्म को एक बार नहीं देखते, उसके पास में जो एड सब्ट्रैक्ट में हो रखा है उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स और एक्स माइनस टू बचेगा। तो माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आकर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। माइनस टू एक्स हो जाएगा हमारे पास प्लस टू एक्स, प्लस फोर हो जाएगा माइनस फोर। अब यहाँ पर टू एक्स और एक्स लाइक टर्म्स है, और टू और माइनस फोर भी लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है अलग अलग। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स, और टू एक्स बन जाएंगे हमारे पास थ्री एक्स, एंड प्लस का टू माइनस फोर हो जाएगा माइनस का टू। और यहाँ बचेगा हमारे पास जी ऑफ एक्स और एक्स माइनस टू। हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स निकालना है, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, क्या करना है हमें, डिवाइड किस से, एक्स माइनस टू से। तो हमें कुल मिला करना क्या है, इसका डिवाइड करना है किसमें, एक्स माइनस टू में। तो करते हैं इसका डिवाइड, तो मैं क्या करता हूं, इसका डिवाइड करता हूं किससे, एक्स माइनस टू से। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। हाँ, यहां पर हमें दे रखा है एक्स क्यूब, और यहां है हमारे पास एक्स। तो कितना चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर और चाहिए, यानी कहता हूं मैं एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम इससे, तो बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब, इससे करेंगे तो बनेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स स्क्वायर बनेगा हमारे पास माइनस का वन एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा प्लस का थ्री एक्स, और यहाँ बनेगा मेरे पास माइनस टू। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है हमारे पास एक्स। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का एक्स, इसको बराबर करने के लिए। जब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो आएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स इंटू टू हो जाएगा टू एक्स। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट। और प्लस का थ्री एक्स में से अगर टू एक्स चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओनली एक्स, यहाँ बचेगा माइनस का टू एच डी। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स, तो क्या चाहिएगा हमारे पास, वन हमें और चाहिएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स, इससे करेंगे तो माइनस टू, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, जीरो। तो मतलब जो हमारे पास जीरो एक्स की जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करने से आने वाली, तो डिवाइड करने पर जो फैक्टर आया, जो हमारा कोसेंट आया है, वो क्या आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो बताइएगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ।